तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने टीआरएस हुकूमत की जानिब से वडेरों को ज़मीनें देने पर कहा कि सीएम केसीआर अगर दयानतदार हैं तो वो ज़मीन बेचने वाले हर किसान को करोड़ों रुपए दे। सरकार में आने से पहले हर एससी को 3 एकड़ ज़मीन बोला, हर नौजवान को नगरी बोला। ये बीच में जैसा निज़ाम सरकार उस जमाने में कोकापेट एरिया में हजारों एकड़ खाली था, सरकार ले ली, वो बोलता गवर्नमेंट लैंड लिया, अच्छा उसका एक्शन करा इन्हें, 1 एकड़ को 40 करोड़ आया, 40 करोड़। वही जमीन जो गरीब आदमी मुसलमान हो, हिंदू हो, एससी हो, एसटी हो, उसका 1 एकड़ जमीन को क्या मिला? 5 लाख 20 लाख मिला। मगर सरकार बिजनेस करता, रियल स्टेट वाले धंधा करते, फिर उनको क्यों नहीं देते भाई? आप रिंग रोड के नाम पे लोन से जमीन खरीद लिए, रुपये में चारा ना दे के खरीदे उनको सबको, और दूसरे अलावा कोकापेट एरिया में लोग जमीन खरीदे क्या बोल के कम दाम में, उनको मालूम था ये कोकापेट एरिया डेवलप हो रहा, रिंग रोड आ रहा, गरीब को नहीं मालूम। अरे रिंग रोड आ रहा कहते अपनी जमीन जाता बोल के उसमें भी डरा धमका के भी लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे से सब लेके कोकापेट से लेके इब्राहिमपट्टनम और उसके बाद खीसरा जो आउटर रिंग रोड है, हाईटेक सिटी है, सब जगह मैं बराबर जाता हूँ। कौन से पैसे से आप जमीन बेचे बोलो, क्या दाम मिला आपको? वहाँ करोड़ों का है, आप देने का ज़रूरत नहीं केसीआर, जो लोग वेंचर्स बनाते हैं उन लोग ही देते, एक एक एकड़ को 1 एकड़ को करोड़ रुपए दे बोल रहे, उसको 10 करोड़ 20 करोड़ का फायदा हो रहा, 1 एकड़ देने में फायदा नहीं होता, उसको कोई नुकसान नहीं है। आप तो बिजनेस कर रहे हैं, गरीब आदमी 5 लाख में 10 लाख में 1 एकड़ बेचा तो तू 40 करोड़ कमाया। तो इसी वजह से वहाँ का बहुत से हमारे माइनॉरिटी भाई भी है, वो लोग भी आके रोए, साहब हमारा ज़मीन था, मैंने उनको डरा धमका के मैं 6 लाख में बेच दिया, आज करोड़ों का हो गया, हमको कुछ दिलाते क्या बोल रहे। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी दिए सो 1981 में दी, 10 शेड्यूल कास्ट माधगा लोगों को दिए, वो भी फिर झूठे सिग्नेचर करके 2 लोग मर गए, उनका झूठा सिग्नेचर करके फिर अपने नाम पे आया, खेती करे नहीं, फिर उनको भी पैसे मिल रहा है। तो किसका फायदा कर रहा है भाई? तो अगर 5 एकड़ वो अपना रईतु बंधु दिए तो फायदा था, आज 40 एकड़ वाले को भी रईतु बंधु मिल रहा, उन्हें उन्हें खेती करता ही नहीं। मैं पूछा एक दोस्त को, क्या रे काई का खेती करना, साल को 2 मरता 5,000 मिलते, बस है ना जी 40 एकड़ में मेरे को जमीन खेती करे तो कुछ मिलता नहीं भाई, उस वक्त यही पैसे बस है बोल रहा। तो इससे फायदा अमीरों को फायदा कर रहा, नरेंद्र मोदी बड़े बड़े अदानी अंबानी को लाभ कर रहा, तू भी बड़े बड़े लोगों को कर रहे। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी एक मुहिम चलाना और हर एक से जो राइट टू इंफॉर्मेशन ने कौन कितने ज़माने में बेचा और HMDA वो लोग भी ये बड़े बड़े सरमाएदारों को फ्लैट बनाने के वास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे। ये कांग्रेस अगर इसका फायदा गरीबों के वास्ते करे तो गरीब अपने साथ, फिर इंदिरा गांधी का पीरियड आया, फिर कांग्रेस वाले आ रहे गरीबों के वास्ते सोच रहे बोल के ये फील आना बोल के मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछूंगा। और बराबर मेरा पादयात्रा, जो भी पादयात्रा पॉलिटिकल बनने के, मेरा पादयात्रा गरीबों के हित में, गरीबों की ज़िंदगी सीधा करने के वास्ते, उनकी परवरिश अच्छा होने के वास्ते मेरी पादयात्रा चलेगा।